नमस्कार दोस्तों, आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और हमारा चल रहा था मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में हमने बहुत ही शानदार क्लासेस ली हैं। और यदि आप जो भी नए बच्चे आज इस वीडियो में जुड़े हैं, तो आप पहले जो पुराने हमारे वीडियो हैं उनको भी आप जाइए वहाँ पे और उनको भी आप देखिए, ताकि आपको मारवाड़ के इतिहास के बारे में हर एक छोटी से छोटी जानकारी आपको मिल सके। आगे चालू करने से पहले मैं दो बातें आपको कहना चाहता हूँ। वो है, किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है, किसी को सोते हुए देखकर, किसी को सोते हुए देखकर जो आंखें जागकर पढ़ती है, वही एक दिन इतिहास रचती हैं, वही एक दिन इतिहास रचती हैं। तो दोस्तों, अब क्या करो, अभी आपका ये सोने का टाइम नहीं है। आप फटाफट क्या करो, अपने आप को जगाओ और इस जो कोरोना टाइम है इसका एक सदुपयोग करो। आप मूवी वगैरह देखते हो या फिर और कोई सीरियल देखते हो तो इनको छोड़ दो एक बार। आप सबसे ज़्यादा अपनी स्टडी पे फोकस करो, और ताकि आप जो भी फ्यूचर टाइम में नेक्स्ट जो भी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आप जल्दी से जल्दी क्या हो सकें, सक्सेस हो सकें। तो अभी आपको उठने की टाइम है, और जाग जाओ और अपनी कमर कस लो और स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई। ठीक है जी, तो हम लास्ट की जो बातें हैं वो करते हैं। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, अजीत सिंह जी के बारे में पढ़ा था। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और वो क्या क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर ये क्या बात सही है। तो ये बच्चे हमेशा सही बात है, वो कौन सी है। एक क्वेश्चन था कि राजस्थान का कौन सा राजा, कौन से राजा था जिसकी मृत्यु पर, जिसकी मृत्यु पर पशु पक्षियों ने सब इच्छा से चिता पर बलि दी, बलि दी। तो फटाफट आप कमेंट करके मेरे को बताओ। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। हाँ जी, संख्या बल आपकी बढ़ने लग गई है, बहुत अच्छी तरीके से आप बढ़ा रहे हो भैया, बहुत अच्छी बढ़िया बात है आपकी। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या था, राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा है जिसकी मृत्यु पर पशु पक्षियों ने सब इच्छा से उसकी जो चीता होती है उसके ऊपर बलि दी थी। तो ऐसा कौन सा राजा है, वो है अजीत सिंह। कौन है, अजीत सिंह। तो जब अजीत सिंह की मृत्यु हुई थी, तो जब उसको चिता दी जा रही थी, आपको पता है चिता, तो जब उनको लास्ट उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो जितने भी पशु पक्षी हैं वो आके उनकी चिता के ऊपर बैठ गए थे, यानी सभी इच्छा से अपनी बलि भी दे दी थी। कारण क्या था भैया इसका, इसका बहुत बड़ा कारण है। जो अजीत सिंह जी हैं वो क्या पक्षी प्रेमी थे, पशु पक्षी प्रेमी थे। वो पक्षियों को बहुत ही ज़्यादा संरक्षण देते थे, यानी उनकी टेक केयर करते थे, समझ रहे हो आप बातें, यानी लव करते थे इन पशु पक्षियों से। जब वो उनका मालिक ही चला जाता है, तो आपने देखो, आपको पता है, आपने कोई ना कोई जानवर को देखा होगा, तो वो क्या करता है, जब उनके मालिक को थोड़ा सा भी दुख होता है या फिर उनको मौत हो जाती है या फिर उनके लग जाती है, तो उनके द्वारा जो पशु पक्षी पाले गए हैं उनकी आंखों में भी आंसू आते हैं। देखा होगा आपने, यदि रियल सीन में नहीं देखा है तो आपने मूवी वगैरह में देखी होगा। तो सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा आप विश्वास कर सकते हो तो इन पशु पक्षियों के ऊपर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे जानवर होते हैं, नहीं तो इनको किसी प्रकार का कोई लोभ होता है, नहीं किसी प्रकार का लालच होता है। एक मनुष्य है वो कभी भी किसी के भी साथ में क्या कर सकता है, धोखा कर सकता है, लेकिन एक पशु पक्षी कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, वे हमेशा आपके साथ वफादारी निभाएंगे। ठीक है जी, तो अभी आपको पता है गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो भैया आप सब लोग क्या करो, जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था और अनाज की व्यवस्था किया करो, रोज़ किया करो, क्योंकि इस लॉकडाउन में वो भी बेचारे कहाँ जाएंगे। यदि मेरी बात अच्छी लगी है आपको तो थम का निशान करके भेजो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है जी,
हाँ जी हाँ, सभी भैया पशु प्रेमी हैं सब, बहुत बढ़िया, और होना भी चाहिए। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो आपको पता चली इस बात के बारे में, तो आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो एक बार, फिर चालू करते हैं जो हमारा नया चैप्टर है उसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं। ठीक है जी, ओके जी, ले लिया होगा। तो आगे हमारा जो बनते हैं वो कौन बनते हैं जी, हमारा जो नेक्स्ट है वो मारवाड़ के जो राजा बनते हैं वो बनते हैं, हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग, विजय सिंह जी। कौन बनते हैं? विजय सिंह जी क्या बनते हैं? हमारे नेक्स्ट राजा बनते हैं कहाँ के? मारवाड़ के। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है यहाँ देखो, विजय सिंह जी ने जो मराठा आक्रमण होते हैं उनके विरुद्ध किस व्यक्ति को सहायता दी थी? हाँ जी, यानी किस व्यक्ति को मदद की थी उन्होंने? की थी, हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सवाई प्रताप सिंह को। और जो सवाई प्रताप सिंह है वो कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के हैं। हाँ जी, वेरी गुड। सवाई प्रताप सिंह की, जो कहाँ के हैं भैया? जयपुर। कहाँ के हैं जी? जयपुर के। ये बात आपको समझ में आएगी, जब मराठा आक्रमण हो रहे थे कहाँ पे? जयपुर में हुआ था। उस समय सवाई प्रताप सिंह है उनकी जो सहायता की थी, उनकी मदद की थी, वो कौन थे? विजय सिंह जी थे। और विजय सिंह जी कहाँ के हैं? मारवाड़ के हैं। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब भी इन्होंने हत्या कर दी, इन्होंने हत्या कर दी। महादजी सिंधिया की, जो महादजी सिंधिया है, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। महादजी सिंधिया की इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। यहाँ से मैं एक और बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है, इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हाँ जी, महादजी सिंधिया की हत्या, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाँ जी, महादजी सिंधिया की हत्या के बदले इन्होंने मराठों को क्या दे दिया? जो तारागढ़ दुर्ग है वो दे दिया। इनकी हत्या के बदले मराठों को तारागढ़ दुर्ग दे दिया। ठीक है जी, बात तो, हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, हाँ, कमेंट्स बढ़िया आ रहे हैं। अब बात में करनी है इनके जो हमारे महाराज हैं कौन, विजय सिंह जी है, इनकी पत्नी की कौन है? पत्नी के बारे में बात करते हैं। आप पता है पत्नी के बारे में तो बात करनी पड़ेगी भैया, वरना पत्नी नाराज, तो पत्नियों को नाराज नहीं करना आज, ठीक है ना? तो इनकी जो पत्नी है उनका क्या नाम है बताओ, कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी जल्दी। हाँ जी हाँ जी, आंसर आने लग गए आपके, कौन है? गुलाब राय, गुलाब राय। जो गुलाब राय है वो पत्नी है किसकी? विजय सिंह जी की पत्नी है। विजय सिंह जी की पत्नी है, उनके बारे में एक बात कही गई है और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके बारे में देखिएगा आप, उसमें पूछा गया है, हाँ जी, एक हमारे राइटर हुए हैं वीर श्यामल दास जी,
कौन? वीर श्यामल दास जी हैं, इनके बारे में काफ़ी बार आया है और एग्ज़ाम का जो एग्ज़ामिनर है उनका एक ये फेवरेट क्वेश्चन भी बन चुका है। हर एक दो एग्ज़ाम को छोड़ के ये क्वेश्चन आ ही जाता है। राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम होने वाली हैं इनमें एक बार क्वेश्चन ये आ ही जाता है कि वीर श्यामल दास हैं वो कहाँ के निवासी हैं। और मैंने काफ़ी बार आपको बताया था, मेवाड़ पढ़ाया था उस समय भी मैंने बताया था, तो ये कहाँ के निवासी हैं? हाँ, ये 2018 रिट में भी आया था भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वीर राजा जो श्यामल दास हैं वो कहाँ के निवासी हैं? भीलवाड़ा के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? भीलवाड़ा के निवासी हैं। हाँ जी, और इन्होंने जो गुलाब राय है उसको क्या कहा था? हाँ जी बताओ, मारवाड़ की नूर जहाँ कहा था। यदि मारवाड़ नाम ना आए तो वहाँ पे जोधपुर का भी नाम आ सकता है कि जोधपुर की नूर जहाँ किसे कहा गया है? गुलाब राय को कहा गया है। ठीक है जी। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे बता पाऊँ आपको फटाफट। ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो जी, इनकी पत्नी का क्या नाम है? गुलाब राय। जो गुलाब राय है इनके बारे में कहा है किसने? वीर राजा श्यामल दास। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि वीर राजा श्यामल दास ये कहां के निवासी हैं? भैया बताओ फटाफट। भीलवाड़ा के निवासी हैं। कहां के? भीलवाड़ा के निवासी हैं। इन्होंने गुलाब राय को मारवाड़ आ सकता है नाम, या फिर जोधपुर भी दे सकता है। जोधपुर की नूरजहां कहा। ठीक है जी। तो जो वीर राजा श्यामलदास जी हैं वो कहाँ के निवासी हैं? भीलवाड़ा के निवासी हैं। ये बात आपको समझ में आई। दूसरी बात है, जो गुलाब राय है उसी को क्या कहा गया? मारवाड़ की नूरजहां, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जोधपुर की नूरजहां किसे कहा गया? गुलाब राय को कहा गया। और जो गुलाब राय है ये किसकी पत्नी है? विजय सिंह जी की पत्नी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये इस बात का आपको पता चला या नहीं पता चला? यहाँ से आपको पता चला है तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट जो यहाँ के जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं भैया, बताओ फटाफट। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, मान सिंह राठौड़। अब यहाँ के कौन बनते हैं? मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़, मानसिंह राठौड़ अब क्या बनते हैं? मारवाड़ के राजा बनते हैं। मानसिंह राठौड़ के बारे में कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो मानसिंह राठौड़ हैं इनके उपनाम की, क्योंकि इनका जो उपनाम है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पता है तो फटाफट मेरे को बताओ कि इनके किस नाम से इसे जाना जाता है? हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। मारवाड़ का सन्यासी राजा, सन्यासी राजा। तो जो मानसिंह राठौड़ है उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है मारवाड़ का सन्यासी राजा। तो मारवाड़ का जो सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है तो वो व्यक्ति कौन जाना जाता है? मानसिंह राठौड़। बोलो, बात आई क्या समझ में? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, अब जो मानसिंह राठौड़ है इनके गुरु की बात करते हैं, किसकी? इनका गुरु है उनके बारे में बात करते हैं। तो इनके गुरु का यदि आपको नाम पता है तो फटाफट आप मेरे को बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ भाई। हाँ, सबके नाम मेरे सामने आ रहे हैं तो हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया।
हाँ जी, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ भी रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार क्या करो, आप सभी बच्चे जो भी जितने भी देख रहे हैं ना इस वीडियो को, एक बार यदि आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो आप जल्दी से फटाफट, देखो लाइक कम आ रहे हैं, बच्चे काफ़ी देख रहे हैं लाइक कम आ रहे हैं, तो पहले तो आप लाइक कर दीजिएगा, और दूसरी बार हर एक बच्चा क्या करे, इसे एक बार शेयर कर दो। मैं रुक रहा हूँ, आप शेयर करो पहले। हाँ फटाफट, एक सेकेंड लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल एक दो सेकेंड लगेंगे आपको, शेयर कर दो एक बार। हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ स्टेटस भी लगा दो। हाँ बच्चे लगा दो। हाँ स्टेटस लगाओ, कोई बात नहीं है, लगा दो लगा दो, बहुत बढ़िया बहुत, चलो ठीक है। हाँ जी गुरु का नाम बताओ आप। हाँ जी गुरु का नाम बताओ, फटाफट बताओ। हाँ आयस देवनाथ। आयस देवनाथ, इनके गुरु का क्या नाम है? आयस देवनाथ। जो आयस देवनाथ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जो आयस देवनाथ हैं इन्होंने मानसिंह राठौड़ की शासक बनने की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। ये लो जी, इन्होंने या फिर इसने मान सिंह के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। तो पूछ लिया जाता है कि जो मानसिंह राठौड़ है उसके भविष्यवाणी करने वाला कौन व्यक्ति था? हाँ जी आयस देवनाथ, बहुत बढ़िया। तो आयस देवनाथ ने क्या किया था? हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इन्होंने क्या किया था, जो मानसिंह राठौड़ है उनको भविष्य में क्या बनने की, शासक बनने की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इन्होंने निर्माण करवाया, क्या करवाया भैया? निर्माण करवाया। ये लो जी किस चीज़ का निर्माण करवाया वो देखो आप इसने। हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ इसने किसका निर्माण करवाया? नाथ संप्रदाय का जो महामंदिर है उसका निर्माण करवाया। निर्माण करवाया किसका निर्माण करवाया भाई? इन्होंने नाथ संप्रदाय का महामंदिर का निर्माण करवाया। और ये कहाँ पे है मेरे को ये भी फटाफट बताओ। हाँ जी हाँ मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने कहाँ पे करवाया? जोधपुर में करवाया। कहाँ पे करवाया भैया? जोधपुर में। कहाँ पे करवाया? जोधपुर में इन्होंने इनके जो नाथ संप्रदाय का महामंदिर है उनका निर्माण करवाया। और कहाँ पे करवाया? जोधपुर में करवाया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चों के कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छे। इस तरह से आप पढ़ते हो ना तो मज़ा भी आता है, और मज़े आने के साथ साथ एक बार शेयर कर देते हो ना काफ़ी। देखो मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने बच्चे आ रहे हो ना इनसे 3-4 गुना ज़्यादा आएंगे ना, केवल आपके सपोर्ट से आएंगे भाई। आप लोग बच्चों को बोलो कि यहाँ पर डे रात को 9 बजे क्लास चलती है। अभी राजस्थान जीके की चल रही है, थोड़े दिन में मैं आप बोलेंगे उसकी क्लास लेके आने वाला हूँ। जीके में आप कहेंगे उसकी क्लास हमारे यहाँ चलेगी, लेकिन जो अभी प्रजेंट में एक ही क्लास चल रही है, आगे इन फ्यूचर में मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 दिन में आपको 2 या 3 क्लास आपको रोज़ मिलेंगी। तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना हो सकता है ना शेयर कीजिए, और फ़ोन करके भी बताइए बच्चों को कि यहाँ पर क्या चल रही है RCC क्लासेस नवलगढ़ में, जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर क्या है, क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल फ्री में चल रही है। और यहां पे जो मीटर दिया जा रहा है ना, शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पे इतना मीटर दिया जाएगा। आपके पास फोन है, सब कुछ आपके पास में, चेक करके देखिएगा आप, आपको खुद को पता चल जाएगा। तो और आपको पता भी है यदि, हाँ जी जिस बच्चे ने चेक भी किया है, बहुत मेरे को पता है, पर्सनल कॉल भी आने लग गए हैं, तो हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो भैया मेरे को पता है मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका क्या है, एक दायित्व होता है कि आप इसको क्या करो, शेयर करो। हाँ जी बहुत बढ़िया।
हाँ जी, इनके बारे में और भी कुछ ज़्यादा बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मानसिंह राठौर के बारे में। तो इनका उपनाम है, सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं किसके नाम से, मारवाड़ का सन्यासी राजा के नाम से ये प्रसिद्ध है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात करते हैं इनके गुरु, इनके गुरु का नाम है आयस देवनाथ, और आयस देवनाथ है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही जो मानसिंह राठौड़ है उनके शासन शासक बनने की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी, क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। आगे बात करते हैं, इन्होंने निर्माण करवाया नाथ संप्रदाय के महामंदिर का, इन्होंने निर्माण करवाया, और वो कहाँ पे करवाया, क्योंकि आपको पता ही है कहाँ का है, जोधपुर का है, तो जोधपुर में ही करवाया, कहाँ इंपॉर्टेंसी तो जोधपुर की है पहले, तो जोधपुर में ही इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया। अब जो मानसिंह राठौड़ है, हाँ जी बहुत बढ़िया, इनकी पुस्तकें भी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, तो एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया। हाँ जी, समझ में तो आ रहा है ना आपको, लिखा हुआ तो थम का निशान करके मेरे को भेजो। हाँ जी, धीरे धीरे भैया जो राइटिंग है उसको सुधार रहे हैं भैया, कोशिश कर रहे हैं, पहले इतनी अच्छी नहीं आती थी, अब आने लग गई थोड़ी, तो बस आपको समझ में आनी चाहिए, और क्या चाहिए यार। हाँ जी, अब बात करते हैं इनकी पुस्तकों के बारे में, इनकी पुस्तकें। अब जो इनकी पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं, इन्होंने मोस्टली तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन इनकी जो दो पुस्तकें हैं वो ज़्यादा प्रचलित हैं, क्या है, और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनकी दो पुस्तकें हैं, हाँ नाम बताओ भैया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ नाथ चरित्र, वेरी गुड नाथ चरित्र, और दूसरी है दुर्गा चरित्र, बहुत बढ़िया। पहली कौन सी है, नाथ चरित्र, कौन सी है, नाथ चरित्र, और दूसरी है जो पुस्तक है दुर्गा चरित्र। ये जो पुस्तक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये मानसिंह राठौड़ के द्वारा लिखी गई है, नाथ चरित्र और दुर्गा चरित्र, ठीक है जी। तो ये इनकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय जो पुस्तकें हैं वो ये दोनों हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब इनके बारे में बात करते हैं, इनका एक दरबारी था, जो मानसिंह है इनका एक दरबारी है, दरबारी, हाँ जी। इस दरबारी का नाम आपको पता है तो मेरे को फटाफट आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ भैया। हाँ जी बहुत बढ़िया, तो इनके जो, हाँ आंसर नहीं आ रहे हैं भैया, फटाफट बताओ आप, बहुत बढ़िया, हाँ आने लग गए, कौन है, बाकीदास, कौन है जी, बाकीदास, जो बाकीदास जी हैं इनके क्या हैं भैया, दरबारी कवि हैं, ठीक है जी। अब जो दरबारी हैं तो ये इनका काम ही क्या था, लगभग ये कि बुके लिखते थे ज़्यादा, तो हाँ जी बहुत बढ़िया। तो इनकी भी तीन चार पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहली जो पुस्तक है, हाँ जी बहुत बढ़िया, बाकीदास री ख्यात, पहली पुस्तक का नाम है बाकीदास री ख्यात, तो ये इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है। बाकीदास री ख्यात किसके द्वारा लिखी गई है, जो बाकीदास जी के द्वारा लिखी गई है, किनके दरबारी थे, ये मानसिंह राठौड़ के, कौन से, मारवाड़ के, ये क्या थे भैया, दरबारी थे, ठीक है जी। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, दूसरी पुस्तक है इसकी कुकवि बत्तीसी, बहुत बढ़िया, कुकवि बत्तीसी, ठीक है जी बहुत बढ़िया। तो दूसरी पुस्तक का नाम है कुकवि बत्तीसी, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ, और तीसरी है दातार बावड़ी, दातार बावड़ी, हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ, एक पुस्तक का और नाम है, हाँ जी बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाँ मानसजो मंडन, मानसजो मंडन, ये भी किसकी पुस्तक है भैया, ये भी बाकीदास जी की पुस्तक है, और ये चारों ही पुस्तक क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि बाकीदास री ख्यात ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनके नाम से ही ये चालू हो रही है। तो बाकीदास री ख्यात है किसके द्वारा, बाकीदास के द्वारा लिखी गई, और जो बाकीदास जी है ये दरबारी थे किसके, ये मानसिंह राठौड़ के दरबारी थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया। तो इसके बारे में आपको पता चले, मानसिंह
राठौड़ है, इनकी पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें हैं जिसमें है नाथ चरित्र और दूसरा है दुर्गा चरित्र, याद रह जाएगी ना आपको। दूसरी बात करते हैं इनके दरबार की। अब देखो जो दरबारी कवि हैं इनका एक इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है बाकीदास जी, और उन्होंने चार पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी? बाकीदास री ख्यात, कुकवि बत्तीसी, दातार बावड़ी और मानसजो मंडन। ये जो पुस्तकें हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा क्या है, इफेक्टिबल हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना भैया, फ्री माइंड होके बढ़िया तरीके से पढ़ो, सब याद हो जाती हैं, ठीक है जी। तो एक बार स्क्रीन शॉट लो, आप फटाफट ले लो भैया। ले लिया होगा आपने? हाँ जी, साथ में ले लो, क्या बात है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ साथ में ले लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ जी, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्टेटस लगा दें क्या, तो स्टेटस लगाओ ना, कौन मना करता है आपको, लगाओ लगाओ। और जितने भी आपके मित्र मंडल हैं उनको फ़ोन करके भी बोल सकते हो आप कि भैया ये हमारे जो आरसीसी ग्रुप है यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। और जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे ना देखो इस प्लेटफॉर्म पे, उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और ये मैं श्योर कह रहा हूँ कि आपको हर क्लास है वो यहाँ पे फ्री मिलने वाली है, ठीक है, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया पुत्र। हाँ जी, अब बात करते हैं कि मानसिंह है जो राठौड़ हैं इनके समय में ही स्थापना हुई, समय स्थापना हुई, किस चीज़ की स्थापना हुई, पहले तो इस बात को देखिएगा। ये बात चल रही है हमारी, हाँ जी हाँ बहुत बढ़िया, हाँ एरिनपुरा छावनी की, किसकी? एरिनपुरा छावनी की स्थापना हुई। हाँ जी, मेरे को ये बताओ कि जो एरिनपुरा छावनी है, हाँ जी, ये कहाँ पे स्थापित की गई थी, फटाफट बताओ आप मेरे को। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये की गई थी पाली में, पाली, कहाँ पे? पाली में, बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब बात करते हैं जो मारवाड़ है उनका जो लास्ट हमारा जो राजा है ये मानसिंह राठौड़ी होते हैं, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। और इन्होंने जो संधि है वो कब की थी? हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी इन्होंने संधि की थी, ये लो जी, इन्होंने 1818 ईस्वी में इन्होंने संधि की, संधि किससे की भैया इन्होंने? हाँ जी हाँ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EIC, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ये हम पढ़ेंगे 1857 की जब क्रांति पढ़ाऊंगा आपको, उसमें हम पूरी डिटेल से इसकी बात करेंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो मारवाड़ है उनका अंतिम शासक कौन है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, तो वो कौन है? मानसिंह राठौड़। और कब की थी? 1818 में। और इनके समय में ही एक छावनी का निर्माण हुआ था या स्थापना हुई थी, उस छावनी का क्या नाम है? एरिनपुरा छावनी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहीं से हमारा क्या चालू हो जाता है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये मानसिंह जी के बारे में इतनी सी बातें थी, कोई ज़्यादा खास बातें नहीं है। तो एक बार आप इनको पढ़ेंगे तो आराम से आपके दिमाग में छप जाएंगी। हाँ जी, मैं दो तीन क्वेश्चन आपको देता हूँ, तो आप मेरे को फटाफट आप इनके आंसर बताइएगा। और यदि यहाँ नहीं दे सकते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताना। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है, जो हमारे ये जो ऑनलाइन है ये ख़त्म होते ही जब ऑफलाइन में आ जाता है वीडियो, तो आप मेरे को वहाँ पर कमेंट करके बताओ कि क्लास आपको कैसी लग रही है। हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है, ताकि हम और भी ज्यादा मोटिवेट होकर आपकी क्लास और भी ज्यादा ले सकें। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं ये बात पूछना चाहूंगा, कल की क्लास के से मैं पूछूंगा कि मारवाड़ का करण किसे कहा गया, ठीक है, मारवाड़ के करण के नाम से कौन जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मेवाड़ के करण के नाम से कौन सा जाना जाता है, और मेवाड़ के इतिहास में प्रथम पितृहंता कौन था, मेवाड़ के इतिहास का और मारवाड़ के इतिहास का प्रथम पितृहंता कौन है। ये जो चार क्वेश्चन दिए हैं आप मेरे को फटाफट
यहाँ पे आंसर दे सकते हो तो हाँ जी कमेंट्स आ रहे हैं, कई बच्चों के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे नहीं दे सकते हो तो जो मेरा जो कमेंट बॉक्स होता है आप वहाँ पे आंसर दीजिएगा। जो जितने बच्चे देख रहे हैं ना वो उनको सबको देना है, एक को ही नहीं देना है। और कोशिश करो कि आप इस वीडियो को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो। और जो नए बच्चे देख रहे हैं ना भैया, आज एक बार आने से इस प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं होने वाला, आप 2-3 दिन रेगुलर आइए ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर किस टाइप का मीटर दिया जाता है। और यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर करते रहो, बस इतना सही काम है। जय हिंद, जय भारत।